हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी में नवंबर 2022 के पेपर में पूछा गया था तो 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है सेमेस्टर 5 का जो एग्जाम आपका हुआ होगा और उसमें ये क्वेश्चंस ने बहुत लोगों को कंफ्यूज कर दिया था द रीज़न बिहाइंड द कंफ्यूजन वॉज़ कि इस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जो अभी हम देखने वाले इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के चार डेट्स दिए थे तो इंटरेस्ट के चार डेट्स आपके क्वेश्चन में थे अगर ये इंटरेस्ट के चार डेट्स है तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थे तो इसके बेसिस पे ये जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं आ, ये जो भी पॉइंट्स अभी हम देखेंगे उसमें चार इंटरेस्ट के डेट्स रहेंगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं आपको अभी इस क्वेश्चन में बताऊंगा इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे पूरा प्लेलिस्ट में अपडेटेड है अगर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो आप सारे वीडियोस को रेफर करें ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिनको भी सेमिस्टर फाइव में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में के है ये चैप्टर काफी इजी है अगर आप इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ऑन फर्स्ट जून 2021 मिस्टर अभय कुमार परचेज नॉमिनल वैल्यू रुपीज वन लैख तो फेस वैल्यू डायरेक्टली हमको दे दिया है वन लाख रुपीज सिक्स परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स है और यही से कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ इंटरेस्ट पेएबल ऑन फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट जुलाई फ़र्स्ट अक्टूबर फर्स्ट जनवरी तो हमारे पास चार डेट्स है इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें दो ही डेट्स थे तो अभी हमारे पास पहला डेट है फर्स्ट अप्रैल उसके बाद डेट है फर्स्ट जुलाई उसके बाद डेट है फर्स्ट अक्टूबर एंड उसके बाद डेट है फर्स्ट जनवरी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आ, बेसिक अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया था लेकिन जैसे ही इसमें चार डेट्स आए वैसे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए तो ध्यान से बने रहे आप भी मेरे साथ फॉर्मेट ड्रॉ कर ले वीडियो को पॉज कर ले फॉर्मेट को ड्रॉ कर ले और फॉर्मेट को ड्रॉ करने के बाद हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना स्टार्ट कर लेंगे देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो फर्स्ट नवंबर को आ, हमने सोल्ड कर दिया है कम इंटरेस्ट तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पता होगी अगर सोल्ड कम इंटरेस्ट है तो हम तीन वर्किंग नोट्स बनाते हैं अगर परचेज में कम इंटरेस्ट है तो हम दो वर्किंग नोट्स बनाते हैं तो वी विल प्रिपेयर दैट आल्सो फर्स्ट दिसंबर को हमने क्या किया है टेन थाउजेंड के बॉन्ड्स है या ये भी सोल्ड किए हैं ये भी सोल्ड किए हैं हंड्रेड रुपीज़ के एक्स इंटरेस्ट में और थर्टी फर्स्ट मार्च को आपका मार्केट प्राइस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग काफी इजी पार्ट है ज्यादा कुछ डिफिकल्ट चीजें है नहीं नहीं इसमें लेकिन फिर भी बच्चे इससे रिलेटेड कन्फ्यूज हो गए थे तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है क्या देखते हैं ऑन फर्स्ट जून 2021 मिस्टर अभय कुमार परचेज तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है अभय कुमार ने परचेस किया था 91 के रेट में कम इंटरेस्ट का पॉइंट है तो हम लोग पहले यहाँ पे डेट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट काफ़ी सिंपल है वर्किंग नोट भी बनाएंगे फेस वैल्यू कॉलम में हम लिखेंगे वन लैक ठीक है वर्किंग नोट एक बनाना पड़ेगा हमें बिकॉज यहाँ पे कम इंटरेस्ट का डेटा दिया है तो चलो फर्स्ट वर्किंग नोट बना लेते हैं पहला वर्किंग नोट काफ़ी ईजी है फर्स्ट वर्किंग नोट किसका होगा फर्स्ट वर्किंग नोट होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट का परचेस किया है इसीलिए uh, क्या रहेगा प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितने वैल्यूज थे हमारे पास वन लाख का वैल्यू था और आपको रेट कितना दिया है नाइन्टी वन दिया है तो नाइनटी वन परसेंट या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं वन लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू हंड्रेड तो वन थाउजेंड मल्टीप्लेड बाय नाइन्टी वन ऐसा भी कर सकते हो आपकी मर्जी तो आंसर आएगा नाइन्टी वन थाउजेंड इसमें से हमें क्या करना है इंटरेस्ट को माइनस करना है ये कौन सा डेट था फर्स्ट जून का डेट था तो फर्स्ट जून में यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट जून इंटरेस्ट अभी कैसे करेंगे इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे वन लाख मल्टीप्लाइड बाय सिक्स परसेंट का इंटरेस्ट है मल्टीप्लाइड बाय देखो आपके पास चार डेट्स दिए थे फर्स्ट जून के पहले फर्स्ट जून के पहले कौन सा डेट दिया था एक बार देख लेते हैं देखो हमारे पास चार डेट्स थे अप्रैल जुलाई अक्टूबर अप्रैल जुलाई अक्टूबर तो अप्रैल इसके पहले क्या आता है अप्रैल आता है बराबर अप्रैल मे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट होगा टू मंथ्स का इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टू डिवाइडेड बाय ट्वेल्व तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा वन थाउजेंड तो ये आप अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा नाइन्टी थाउजेंड एंड दिज़ नाइन्टी थाउजेंड इज योयर कॉस्ट तो अभी हम प्रजेंट करने वाले हैं ऊपर जाते हैं सीधा प्रजेंट करते हैं एंड वैल्यू को लिखते हैं तो हमने कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट कर लिया वन थाउजेंड और कॉस्ट कॉलम में हम लिखेंगे नाइन्टी थाउजेंड आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरी वन तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया जून का एंट्री कर दिया है ठीक है जून के बाद एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते ताकि आपको पता चले ज्यादा ट्रांजेक्शन है नहीं इसमें दो डायरेक्टली सोल्ड के ट्रांजेक्शन दिए हैं लेकिन हमको इंटरेस्ट की एंट्रीज करते जाना है ठीक है हमको इंटरेस्ट की एंट्री भी करते जाना है बिकॉज इंटरेस्ट अप्रैल में भी पेमेंट होगा जुलाई में होगा अक्टूबर में होगा और जनवरी में होगा तो जून के बाद अगला मंथ आएगा हमारा जुलाई चलो इसमें हम अभी क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था पेपर में लेकिन फिर भी बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो गए फेस वैल्यू में डैश कॉस्ट में डैश इंटरेस्ट गिनते हैं डेबिट साइड में एक ही अमाउंट है हमारे पास वन लाख तो कैसे करेंगे वन लाख मल्टीप्लाइड बाई सिक्स परसेंट मल्टीप्लाइड बाय जुलाई के पहले कब इंटरेस्ट मिला था अप्रैल तो अप्रैल से गिनो आप अप्रैल फर्स्ट है अप्रैल मे और जून तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट होगा थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट होगा तो मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय ट्वेल्व तो आपको ये इंटरेस्ट आ जाएगा पंद्रह सौ ये हो गया हमारा जुलाई का एंट्री जुलाई के बाद क्या होगा अगस्त अगस्त में कोई ट्रांजैक्शन नहीं सितंबर में कोई नहीं अक्टूबर में ट्रांजैक्शन अक्टूबर में फिर से हम क्या करेंगे इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ बाय बैंक अकाउंट ठीक है इसमें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट होगा अभी देखो कैसे फिर से एक लाख ही है हमारे पास एक लाख है अभी के लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था जुलाई तो जुलाई से गिनो जुलाई ऑगस्ट सितंबर तो कितने मंथ्स हुए थ्री मंथ्स तो यहाँ पे भी हम लोग थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट गिनेंगे तो एक लाख पे ही आएगा थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट तो यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा पंद्रह सौ काफ़ी सिंपल तो था क्या डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं लेकिन क्या है आपने वो उस टाइप का क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया है इसलिए आपको कन्फ्यूजन लगता है अक्टूबर के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है नवंबर अभी नवंबर में एक ट्रांजैक्शन है आपके क्वेश्चन में आप देख सकते हैं नवंबर में एक ट्रांजैक्शन दिया था तो यहाँ पे हम देखते हैं देखो नवंबर में ट्रांजैक्शन दिया था यहाँ पे सोल्ड का ट्रांजैक्शन है नाइन्टी थ्री कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है तो तीन वर्किंग नोट बनाएंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे तो चलो पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं देन वी कैन मूव फर्दर तो लेट अस स्टार्ट तो पहले हम लोग पहला वर्किंग नोट बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस बहुत सिंपल जैसा ये ऊपर लिखा वैसा ही है सिर्फ यहां पे आपको लिखना है प्राइस रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो प्राइस रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितने डिबेंचर्स हमने सोल्ड किए थे या बॉन्ड सोल्ड किए थे ट्वेंटी थाउजेंड और कौन से रेट में सोल्ड किए थे नाइन्टी थ्री तो मैं डायरेक्टली अमाउंट लेके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड को मल्टीप्लाई करेंगे नाइन्टी थ्री परसेंट के साथ तो आपको आंसर आ जाएगा एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसमें से अभी हम इंटरेस्ट को माइनस करने वाले हैं तो ये आपका फर्स्ट नवंबर का है नवंबर के पहले कब इंटरेस्ट आप, आपने पेमेंट किया था तो अक्टूबर में आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया था बराबर अक्टूबर और नवंबर मतलब अक्टूबर एक है तो अक्टूबर एक से नवंबर एक वन मंथ तो हमको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करना है वन मंथ का ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्स परसेंट इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय वन बाई ट्वेल्व तो आपको वन मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा इधर वन मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा हंड्रेड तो ये कितना मिलेगा आंसर एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस इज योर सेलिंग प्राइस कितने वर्किंग नोट्स बनाने हैं हमको तीन वर्किंग नोट्स बनाने हैं दिस इज द फर्स्ट वर्किंग नोट सेकेंड वर्किंग नोट हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट का वर्किंग नोट बहुत सिंपल है पहला कॉलम पर्टिकुलर्स दूसरा कॉलम फेस वैल्यू तीसरा कॉलम कॉस्ट बहुत ही सिंपल वर्किंग नोट है सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करते हैं ओपनिंग बैलेंस थे ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है नहीं इसके बाद हमको लिखना है एड परचेज तो आपने परचेस किया था कितना परचेज किया था वन लैख का इन्वेस्टमेंट था जिसका कॉस्ट आपने कितना लिखा था नाइन्टी थाउजेंड लिखा था मैंने डेबिट साइड से लिखा है ठीक है बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है तो ये आ गया आपको बैलेंस ये बैलेंस आ गया कितना आया बैलेंस वन लैख और यहाँ पे आ गया आपको नाइन्टी थाउजेंड ठीक है फिर लेस सेल कितना सेल किया हमने फेस वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड और कॉस्ट को कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा ट्वेंटी थाउजेंड इंटू नाइन्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन लैक तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा अठारह हजार दिस इज योर कॉस्ट एक लाख में से बीस हजार गया यहाँ पे आ जाएगा एट्टी थाउजेंड दैट इज योअर बैलेंस और नाइन्टी थाउजेंड में से एटीन थाउजेंड माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा सेवेंटी टू थाउजेंड बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसके नीचे अभी ये जगह रखेंगे बिकॉज यहाँ पे और वर्किंग नोट आए फिर हमारा वर्किंग नोट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का बराबर नवंबर में हमने जो सेल किया उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस कितना सिंपल है सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस अभी अभी हमने ढूंढा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना था सेलिंग प्राइस 18,500 का सेलिंग प्राइस इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट कॉस्ट कहाँ से लाएगा देखो ये कॉस्ट अभी अभी ढूंढा है अठारह हजार तो यहाँ पे आपका कॉस्ट आ गया एटीन थाउजेंड तो सेलिंग प्राइस एटीन फाइव हंड्रेड है कॉस्ट एटीन थाउजेंड है इसका मतलब आपको नवंबर वाले जो सेल है उस पर ऊपर प्रॉफिट हुआ है कितने का प्रॉफिट हुआ पाँच सौ रुपये का प्रॉफिट हुआ है अभी हम एंट्री करेंगे ध्यान से देखना इंटरेस्ट हंड्रेड है इधर सेलिंग प्राइस अठारह हज़ार पाँच सौ है तो इसको लिखने का किधर इसको लिखने का क्रेडिट साइड में बिकॉज हम अभी बेच रहे हैं तो कौन से डेट को हमने बेचा है नवम्बर फर्स्ट को हमने बेचा है तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे नवम्बर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डाला है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कितने का सेल किया था आपने ट्वेंटी थाउजेंड का सेल किया था इंटरेस्ट कितना था आपका हंड्रेड और इधर कॉस्ट में हमेशा याद रखना है सेलिंग प्राइस लिखना है तो व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस वाज एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्रॉफिट था कि लॉस था अब भी हमने ढूंढा प्रॉफिट था तो प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड आएगा तो नवम्बर फर्स्ट मैंने डेट ऑलरेडी डाला है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फेस वैल्यू में डैश इंटरेस्ट में डैश कॉस्ट में पाँच सौ का हमको प्रॉफिट हुआ दैट एंड्स द कैलकुलेशन आई होप की दिस इज क्लियर टू यू नवम्बर के बाद अगला जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सा होगा नवंबर के बाद अगला जो ट्रांजेक्शन है वो डिसम्बर का होगा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हंड्रेड फर्स्ट डिसम्बर को टेन थाउजेंड का सोल्ड किया है हंड्रेड रुपीज में एक्स इंटरेस्ट में बेचा है एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है एक्स इंटरेस्ट में रहेगा तो हमको क्या है डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं लेकिन इसमें प्रॉफिट लॉस की एंट्री पहले कर लेंगे प्रॉफिट लॉस ढूंढ लेते हैं फिर पोस्टिंग करते हैं तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे सीधा सिंपल कैलकुलेशन है यहां पे हम जाएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे लेस सेल कितना सेल कर रहे हैं हम टेन थाउजेंड का सेल कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई सेवेंटी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय एटी थाउजेंड तो आपको इसका कॉस्ट मिल जाएगा इसका कॉस्ट आपको मिलेगा नाइन थाउजेंड बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा एट्टी माइनस टेन विल बी सेवेंटी थाउजेंड तो सेवेंटी थाउजेंड इसका आंसर मिल गया और 72 में से 9 माइनस करेंगे 72,000 में से आपको 9,000 जो है वो माइनस करना है तो यू विल बी गेटिंग दी आंसर ओवर हियर एज 63,000. अभी इसका प्रॉफिट लॉस भी ढूंढते हैं प्रॉफिट लॉस इसका कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट बहुत सिंपल कैलकुलेशन है लेटस कैलकुलेट तो सेलिंग प्राइस अभी सेलिंग प्राइस कहाँ से आएगा क्वेश्चन में हमारे पास था टेन थाउजेंड डिवेंचर्स बेचे हमने हंड्रेड में तो टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड परसेंटेज तो इसका आंसर आ जाएगा टेन थाउजेंड इंटू हंड्रेड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर ओनली टेन थाउजेंड बराबर काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है कॉस्ट कितना रहेगा कॉस्ट है हमारा नाइन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड में से नाइन थाउजेंड गया तो आपने यहाँ पे प्रॉफ़िट कमाया कितने का प्रॉफिट कमाया है वन थाउजेंड का प्रॉफिट कमाया है तो ये कितने का प्रॉफिट है वन थाउजेंड का प्रॉफिट है तो चलो अभी पोस्टिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे क्रेडिट साइड में करेंगे पोस्टिंग लेट अस डू द पोस्टिंग नाउ सो डेट डालेंगे पहले क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में आता हूं मैं डायरेक्टली क्रेडिट साइड में डेट डालते हैं क्रेडिट साइड में हम डेट डालते हैं बाय बैंक अकाउंट बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था बाय बैंक अकाउंट कितना सेल किया फ़ेस वैल्यू दस हज़ार का था इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कितना किया था कैलकुलेट पहले कर लेते हैं सेलिंग प्राइस भी आपका दस ही हज़ार है डिसम्बर के पहले इंटरेस्ट कब मिला था तो डिसम्बर के पहले इंटरेस्ट देखो कब मिला है डेट्स है हमारे पास यहाँ पे डिसम्बर के पहले कब मिला होगा अक्टूबर तो अक्टूबर नवंबर तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा टू मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा तो दो महीने का इंटरेस्ट दो महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं दो मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं दो महीने का इंटरेस्ट सो so, टू मंथ्स का इंटरेस्ट हमारा आएगा हंड्रेड तो यहाँ पे हंड्रेड आ गया नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिसम्बर में प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था तो डिसंबर में भी हमें प्रॉफिट हुआ था वन थाउजेंड का तो यहाँ पे हम डेबिट साइड जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे अभी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया वन थाउजेंड का तो यहाँ पे हमारा वन थाउजेंड का प्रॉफिट आ चुका है फिर अगले बार क्या होगा ट्रांजेक्शन अभी हमारा इंटरेस्ट का डेट आ रहा है आप देखो अभी इंटरेस्ट का डेट हमारे क्वेश्चन में चार इंटरेस्ट के डेट्स थे फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट जुलाई फर्स्ट अक्टूबर फर्स्ट जनवरी अभी फर्स्ट जनवरी इंटरेस्ट आ रहा है अभी यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो सकता है तो क्या करेंगे अभी प्रॉब्लम अराइज होगा तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे हमारे पास जो इंटरेस्ट है यहाँ पे बैलेंस आया है सेवेंटी थाउजेंड ठीक है सेवेंटी थाउजेंड पे हम लोग इंटरेस्ट ढूंढेंगे सेवेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्स परसेंट मल्टीप्लाइड बाय लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था जा अभी हम जनवरी में कर रहे हैं उसके पहले कब मिला था अक्टूबर तो अक्टूबर नवंबर डिसम्बर कितना थ्री मंथ्स अक्टूबर नवम्बर डिसम्बर तो कितना मंथ्स है थ्री मंथ्स है तो मल्टीप्लाइड बाय थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेल्व तो सेवेंटी थाउजेंड पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है थ्री मंथ्स के लिए तो आपको आंसर आ जाएगा वन ज़ीरो फाइव ज़ीरो तो वन ज़ीरो फाइव जीरो अभी हम इंटरेस्ट की पोस्टिंग करते हैं और कहाँ पे लिखना है वो आपको बताता हूँ डेट वाइज जा रहा हूँ एकदम सिंपल कैलकुलेशन है वी आर गोइंग डेट वाइज सो यहाँ पे हमको जनवरी में जाना है यहाँ पे हमको लिखना है बाय बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट फेस वैल्यू में डैश कॉस्ट में डैश इंटरेस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया एंड दैट इज़ वन जीरो फाइव ज़ीरो दैट इज द सिंपल कैलकुलेशन लेकिन इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू भी दिया था तो मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है हमने मार्केट वैल्यू चेक किया था तो इफ़ वी चेक द क्वेश्चन मार्केट वैल्यू दिया है एट्टी रुपीज़ का तो अभी मार्केट वैल्यू का क्या करना है वो भी करवा देता हूँ तो ध्यान से मार्केट वैल्यू का कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है सी मार्केट वैल्यू आता किधर है तो यहाँ पे बैलेंस में जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू देखो ये यहाँ पे डैश देंगे बहुत ही सिंपल सेवेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय एट्टी एट्टी का मार्केट वैल्यू दिया है तो सेवेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय एट्टी परसेंट आपको करना है तो सेवेंटी थाउजेंड का एट्टी परसेंट ढूंढ लेना है तो कितना आंसर आएगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड आएगा तो यहाँ पे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड आएगा तो अभी रूल क्या कहता है कि जो भी कॉस्ट की वैल्यू आई 63,000 सिक्सटी थ्री थाउजेंड और ये फिफ्टी सिक्स थाउजेंड इसमें से जो भी लोअर वैल्यू है वो लेना है तो लोअर वैल्यू आपका ये हो गया इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इन दोनों का बैलेंस जो है वो लिखना पड़ेगा इनका बैलेंस कितना है इनका बैलेंस आपका बनेगा सेवन थाउजेंड का सिक्सटी थ्री और फिफ्टी सिक्स का बैलेंस तो ये आएगा सेवन थाउजेंड तो ये हम लोग एक अलग से एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की अभी देखो कैसे कर रहा हूँ ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को तो हम क्या करेंगे ये अगर आपका मार्केट वैल्यू छोटा है तो ही इसका एंट्री करना है अदरवाइज इसका एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है तो हम अभी थर्टी फर्स्ट मार्च को क्रेडिट साइड जाएंगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट फेस वैल्यू में डैश कॉस्ट में डैश सॉरी इंटरेस्ट में डैश और कॉस्ट में सेवन थाउजेंड ये कहाँ से लाया अभी जो हमने कैलकुलेट किया वही हमको करना है अभी बहुत ही सिंपल है टोटल कर लो यहाँ पे वन लैक्स यहाँ पे भी हमारा टोटल वन लैख यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन तो वन लैख में से थर्टी थाउजेंड गया मतलब इधर बैलेंसिंग फिगर मिलेगा आपको सेवेंटी थाउजेंड दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर तो इसको सर्कल कर रहा हूँ इंटरेस्ट का हम बाद में बैलेंसिंग फिगर ढूंढते हैं चलो कॉस्ट का कर लेंगे इसका टोटल आएगा नाइन्टी वन फाइव हंड्रेड इसका भी टोटल आएगा नाइन्टी वन फाइव हंड्रेड इसमें से आप अगर ये सब माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एज बैलेंसिंग फिगर थर्टी फर्स्ट मार्च है इसके पहले कब मिला था जनवरी तो जनवरी फेब्रुवरी और मार्च तीन महीने के लिए आपको इंटरेस्ट ढूंढना है किस पे ढूंढना है ये सेवेंटी थाउजेंड तो कैसे ढूंढेंगे सेवेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई सिक्स परसेंट मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय ट्वेल्व तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा वन जीरो फिर आपको क्या करना है टोटल करना है इंटरेस्ट कॉलम का तो इंटरेस्ट कॉलम का यहाँ पे टोटल आएगा क्रेडिट साइड का तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड में से ये वन थाउजेंड गया तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा इंटरेस्ट कॉलम फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो दिस इज द कैलकुलेशन इतना सॉल्व करने का बीस मार्क्स का क्वेश्चन आया था काफी सिंपल क्वेश्चन था लेकिन सिर्फ आपको ओवरऑल डेट्स वाइज प्रॉपर जाना है वर्किंग नोट प्रॉपर बनाना है अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है तो इसके पहले मैंने काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व किए हुए बनाए हैं प्लेलिस्ट में जाइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व फॉर्मेट में मिलेंगे आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है इसको आप प्रॉपरली खुद सॉल्व करके एक बार देखिए बिकॉज चार चार इंटरेस्ट के अगर डेट्स आएंगे तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और कन्फ्यूज हुए थे इसलिए बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था बट दिस क्वेश्चन वॉज नॉट डिफिकल्ट इट वॉज वेरी ईजी अगर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करते तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय